झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बताते चले कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय है। साथ ही आपको बताते चले कि अपना नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। तो बताते चले कि झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता फुरकान अंसारी के अलावा कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह को भी दावेदार माना जा रहा है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि दूसरी सीट पर महागठबंधन किसको उतारने जा रही है। का यहां पर हो रहा है और ये भी स्पष्ट है कि इनका राज्यसभा जाना तय है। हाँ, बिल्कुल। और समय आने पर रणनीति के तहत आपके समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो आपको पता ही है वो क्या क्या कर सकती हैं और हमारी भी नज़र उन पर है। अभी तक उन्होंने भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है और मुझे पता नहीं ये चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, इस पर भी बहुत सख्त सवाल लगता है, क्योंकि इतना आसान नहीं। बात में ये भी बात बता दे तो कि चुनाव में मजा ही नहीं है। एक सवाल है ये बीजेपी ने धमकी दी है जो कल से बारह से नहीं चलने देंगे आंदोलन, स्पीकर बाबूलाल मरांडी के मुद्दे पर निर्णय नहीं करते, मतलब राज्यभर में आंदोलन करेंगे बोला। बस थोड़ा सा नीचे देश में आंदोलन कर ले, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। हमारी नजर है, हम लोग रणनीति भैया मोबाइल थोड़ा सा नीचे जो देंगे वो बताएंगे। एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि कांग्रेस दूसरा उम्मीदवार पे दोनों तरफ देखिए इधर भी देखिएगा सर, हेमंत भैया इधर भी देखिएगा। हाँ हाँ, बहुत सारे अभी खबरें चलेंगी, बहुत सारे हवाएं राजनीतिक हवाएं चलेंगी, हम ही से नहीं बाकी और भी दल लोगों से पूछिए उनका क्या हाल है। 100% जीत। अरे यार कहाँ हिला, महागठबंधन की ओर से दूसरा उम्मीदवार भी जीतेगा उम्मीद है? महागठबंधन की ओर से दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस खड़ा करना चाह रहा है, उस पर जीत हो पाएगी? जीतेगा। बीजेपी कह रही है दूसरे सीट पर उसके उम्मीदवार की जीत तय है, बीजेपी कह रही है उसके उम्मीदवार की जीत तय है दूसरे सीट पर जी, दोनों सीटें महागठबंधन खाते में जाएगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, नामांकन दाखिल कर दिया है शिबू सोरेन ने, लेकिन यहाँ पर दूसरी पार्टी पर दूसरी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा इसका अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया, क्या कुछ अपडेट है? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, शिबू सोरेन ने तो सफलतापूर्वक नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन वही जो दूसरी सीट है उस पर अभी भी असमंजस बरकरार है। लेकिन अभी अभी जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि कांग्रेस भी 2-3 घंटे के बाद जो है अपना उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है और यह उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के सुबोध कांत साय, उनको उनकी उम्मीदवारी मानी जा रही है, क्योंकि उनकी जो मैनेज करने की टेक्निक जो है वो सबसे अव्वल मानी जा रही है। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो सुबोध कांत साय हो सकते हैं। जी कंचन, यही चंदन अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने भी अभी तक अपने प्रत्याशी का नाम यहाँ पर घोषित नहीं किया है, यानी बीजेपी की तरफ से भी अभी हाथ खाली है। जी हाँ, बीजेपी की तरफ से जो असमंजस है वो अभी तक से पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो संशय है वो बिंदु जो है रघुवर दास, दीपक प्रकाश और रविंदर राय पे जाके टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर रघुवर दास को अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि उसकी मुश्किल का कारण आंसू बन सकती है। वहीं अगर रविंदर राय और दीपक प्रकाश की बात करें तो अगर इन लोगों की नाम की अगर घोषणा होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपनी जो सीट जो है वो बनाने में कायम हो सकती है। जी कंचन, बिल्कुल चंदन, यहाँ खबर ये भी है कि 9 अप्रैल को राज्यसभा में झारखंड कोटे की जो 2 सीटें हैं वो खाली होने जा रही हैं।
जी हाँ, जो 9 अप्रैल को जो 2 सीटें खाली होने जा रही है उसी के लिए जो दो राज्यसभा की जो सीटें हैं उनको फुलफिल करने के लिए झारखंड से तैयारी चल रही है, और यहाँ पर उस तैयारी के लिए आज शिबु सोरेन ने जो है सफलतापूर्वक नामांकन कर दिया है, और कहीं ना कहीं 2-3 घंटे बाद जो है कांग्रेस के तरफ से जो है एक और उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। लेकिन देखने वाली बात है कि अगर बीजेपी की तरफ से किसी भी नाम की अगर घोषणा होती है तो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए।